नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहाँ 3 नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और कियोनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहीं प्रयागराज में भी तेजी से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। कई नदियों से पानी छोड़े जाने के चलते गंगा और यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि गंगा और यमुना का जलस्तर चेतावनी बिंदु के काफी नीचे है, लेकिन घाट के किनारे दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वालों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। घाटिये भी अपने तंबू टेंट को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यमुना के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी समेत तमाम इलाकों में बारिश हो रही है। इसका असर नदियों के जलस्तर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रयागराज में गंगा और यमुना में जलस्तर बढ़ने की गति ज्यादा नहीं है। ये चेतावनी बिंदु से दोनों ही नदियां काफी नीचे बह रही हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।